पाक फौज और सर्जन शोधा के लवाहकीन के जख्म मजीद भी बेहतर बनाएंगे। हम अपने मसाइल इफाम तफहीम से बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं और मुतवातर इन कोशिशों में मसरूफ अमल हैं, लेकिन किस कदर का मकाम है कि पाकिस्तान में अमन व मोहब्बत के दावेदारों की बात सुनने को कोई तैयार नहीं। हमने अरबाब हिर अब तक पहुँचाना मकसूद है। हमें उम्मीद है चीफ जस्टिस बघेल और फौरी इकदाम उठाएं। अजादार कायम एफ आई आर सिर्फ दो बाबा अयाम अजा हुसैनी का आगाज होने जा रहा है, आज जो 8 रबीउल तक जारी और सारी रहेगा, और अजादारी के लिए एस ओ पीज को फाइनल करने के लिए कौम के हकीकी नमंदों से रजू किया गया। हर मुसीबत आजमाए जीने और हर कुर्बानी देने के लिए हम अब अख्तियार हैं, लेकिन अपने हकों पर सौदाबाजी मुआनदाना रवैया न बदला गया तो हम अपने आईनी व कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए किसी बड़े इकदाम से दरेग नहीं करेंगे, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया अमेरिका में होने वाले एहतजाज समेत दीगर तमाम तहरीक को भूल जाएगी, लेकिन जुल्म के खिलाफ मजलूमाना एहतजाज का सलीका देना हमने हुसैनियों से सीखा। अगर अरबाब इकतदार पाकिस्तान के हल में पाएंगे, खुदावंद आलम पाकिस्तान और अहले पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और पूरी इंसानियत को इस जालिम वबा से निजात दे। जिस कौम की शहादत अमीर-ए-मोमिनीन बहुत बड़ा सामया बहुत बड़ा फाजिया है, सुनिए, बहुत बड़ा सामया बहुत बड़ा फाजिया है, लेकिन जिनका नाम आपने लिया वो तो खामोश रहे। ये पाकिस्तान के मकतब तशय्यो पाकिस्तान के वो कायदे मोहतरम आका मुस्वी हैं जिनने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गवर्नमेंट पर ये वादे किया कि देखिए तुमने जो हर तरह की आज़ादी दी हुई है, बाजार खुले पड़े हैं, मार्केटें खुली पड़ी हैं, हर एक को आज़ादी है, लेकिन आज़ादारी अमीर-ए-मोमिनीन और आज़ादारी मज़लूम कर्बला आज़ादारी अलकायदा के लिए तुमने ये सिलसिले खोल रखे हैं, पाबंदियाँ लगा रखी हैं। आगे मुस्वी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वादे किए पाकिस्तान की कौम पर, एक वर्ग के से ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखते, पर आगे मुस्वी ने फतेहली मस्जिद में जुलूस निकाला और फिर रावलपिंडी में 4 मकामात पर जुलूस निकाला गया, फिर पूरे मुल्क में अमीर-ए-मोमिनीन की शहादत पर जुलूस निकाले गए और मिल्लत के वो गजूर मातमी आज़ादारों ने सुख का सांस लिया कि कोई तो है जो हमारे हक के लिए हमारे आज़ादारी के लिए कदम उठा रहा है। कौम का नुमाइंदा वो होता है कि जब मिल्लत पर मसाइल आए, जानते हैं अगर दुनिया देखना चाहती है फिर ये दुनिया पर इंसाफ है, कौम पर इंसाफ है, तो इंसाफ करे कि ऐसे हालात में किसने मकतब की नुमाइंदगी की और किसने कौम को पैगाम दिया और कौन आज़ादारी के लिए इकदाम कर रहा है। एक लाहौर की बात नहीं है, मसला ये है आप एक शहर की बात सुनिए। आज़ादारी का तल्लुक सिर्फ एक शहर से नहीं है, आज़ादारी का तल्लुक पूरी दुनिया से है, और आका मुस्वी ने पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए पैगाम दिया और पूरे पाकिस्तान में आपके इस इकदाम से जुलूस निकले, आज़ादारी हुई। मेरे साथ में वो बराबर आलम इंसानियत आलम इस्लाम आलम ईमान को इस रोजी मर से निजात दिला, वतन अजीज वतन अहले वतन की हिफाजत फरमा और हम सबको वतन के लिए किरदार अदा करने की तौफीक फरमा और आज़ादारी मुस्लिम कबला और मतलब तशय्यो के हुकूक की बातियाबी के लिए जो एकदम आके कर्मानी के साथ मौके को मजद फरमा, हम सब की हिफाजत फरमा और हम सबको पकीज़ा अदाब में कामयाबी और कर्मानी के साथ मौके को मजद फरमा। मीडिया के बरादरान जो शिरकत की है इन तमाम को कामयाबी और कर्मानी के साथ मौके को मजद फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।